अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं जीटी रेलगन स्ट्राइकिंग। ओह सॉरी, मजाक किया था यार गाइस। ये जीटी रेलगन स्ट्राइकिंग थोड़ी ना है, ये तो गाइस शिवा है, शिवा फार्म अटैक। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि शिवा का एक फार्म है जहाँ पे इसका एक दोस्त है, मतलब कि जैसा कि इसका एक दोस्त है वैसे ही इसके दोस्तों की तरह की शक्ल बनाकर एक बंदा आया हुआ है जो कि अटैक कर रहा है इसके फार्म पे, अटैक कर इसकी चीज़ें जो है वो जैसे कह सकते हैं कि तोड़ना चाहता है या घर लेकर जाना चाहता है। फार्म में ज़ाहिर बात है क्या चीज़ होती है, यही होता है अमरूद। मतलब अगर सब्ज़ी का फार्म है तो ज़ाहिर बात है उसमें टमाटर मिर्चें घी तोरी वगैरह और जैसे चीज़ें होती हैं सब्जियां वगैरह, तो गाइस उसमें तो वो होंगी। तो जो फ्रूट वाला होगा तो उसमें फ्रूट होंगे जैसे सेब केला और जैसे अखरोट वगैरह माल्टा जितने भी मतलब फ्रूट वगैरह हो गए सोहान। तो कह ही सकते हैं कि इस तरह की कोई स्टोरी है जिसमें शिवा के फार्म पे अटैक हो रहा है, तो शिवा ने जाना है अपने फार्म को बचाने के लिए। तो गाइस आज देखते हैं हम कि शिवा कैसे बचाने के लिए यहाँ से निकल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अटैक करने वाले कौन लोग हैं। ये सामने आपके शिवा फार्म अटैक, ये फार्म अटैक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं जी शिवा कितना अपना काम कर सकता है। तो ये देख रहे हैं गाइस, सबसे पहले तो ये देखें, एक ये बंदा खड़ा है ये जो फेंक रहा है सब्ज़ियाँ इसकी, इसी की सब्ज़ियाँ तोड़ कर इसी को मार रहा है। बात देखें यार, काम देखें इस बंदे के। ये देखें, ये अब गोभी बेची है इसने, अब ये टमाटर है, अब ये आ गया बैंगन, ये फिर से बंद गोभी, और ये पोटैटो आ गया जो कि आलू है। मतलब काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ भी हैं और फ्रूट वगैरह भी हैं। ज़्यादा मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमारा जो दोस्त है जो जिसको शिवा कह सकते हैं, ये पता नहीं वो अभी जो गिरा अभी जो फेंका है इसने वो था नारियल था, हाँ जी शायद से नारियल भी इसने उगाया हुआ है शिवा ने। तो बात करने का मकसद यह है कि फार्म को बचाना है, बचाने के लिए हमें लेना पड़ेगा लंबा रास्ता। तो लंबा रास्ता लेने के लिए आपको पता है थोड़ा सा ट्रेन श्रेन लेनी पड़ेगी। अब शिवा और उसके दोस्त जो हैं वो ट्रेन श्रेन का इंतज़ाम करते हैं, इंतज़ाम करने के बाद शिवा को कॉल करेंगे। शिवा ये आपके सामने खड़ा है, ये फिर जाने वाला है अभी थोड़ी देर में, देख लीजिएगा ये चला जाएगा। तो फ़िलहाल आप इसका देख लें ये क्या चीज़ मार ली, ये अभी फिर से अखरोट मार दिया उसने, अखरोट नहीं सॉरी नारियल था। तो अब जो है इसको फ़ोन आ गया है शिवा को, ये शिवा जो है जा रहा है अपने दोस्तों के साथ। तो इसकी पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी आवाज़ सुना दूँ, आवाज़ अभी नहीं आ रही, चलें अभी आपको आएगी, देखिए ये देखिए गाइस। तो ये हैं शिवा और इसके दोस्त जो कि आप देख रहे हैं फ्रंट वाले बैग में शिवा है, उसके पीछे दो दोस्त, उसके पीछे एक और प्यारी सी गुड़िया जो कि वो भी इसकी दोस्त है। तो ये देखें जी, ये क्या, ये कोई मुझे लगता है पार्क है, पार्क वाली जगह है जहाँ पे इसने मतलब एक वही रास्ता होगा ना, पार्क वाला रास्ता होगा, वो सामने आप देख रहे होंगे, सामने इसका वो है फॉर्म है जहाँ पर हमने पहुँचना है। तो ये पार्क वाली जगह है जहाँ पे इन्होंने ये जो लिफ्ट है ये ली है, ये सीधा वहाँ तक जाएगी जहाँ पे इसका सुबह का फॉर्म है। तो अब हम देखते हैं जी हमें कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पहले रास्ते पे जाना पड़ेगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम आपने देख भी लिया होगा, ये शिवा बोल भी रहा है कि शिवा नाम है मेरा, ये वो जैसे भी, ये देखें ये हम चेंज भी कर सकते हैं गाड़ी का कलर, ये एक कलर ये है ब्लू है और ये ग्रीन कलर है गाइस, कैसे बढ़िया डिज़ाइनिंग है इसके। ओ वाओ, एक ये हेलीकॉप्टर टाइप भी कोई चीज़ है, ये डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया है यार, ये देखें और देखते हैं और कौन सा डिज़ाइन, और ये फिर से भैया हम ऐसा करते हैं ये वाला, ये वाला सही है गाइस, फिलहाल ये वाला, ये शायद से किसी न किसी का पसंद का भी कलर हो सकता है, ये है येलो कलर गाइस। ये शिवा बैठे सामने, सबसे पहले ये वाला रास्ता हम लेते हैं, आराम से जाना है, हैव फन। तो गाइस यहाँ से फन करते रहते हैं गाइस 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 गाइस, ये तो यार स्पीड बढ़ी है इस गाड़ी की जो हमने ली हुई है, चलें देखते हैं। वाओ गाइस, उम्मीद है आपने से भी किसी न किसी ने यह सफ़र किया होगा ऐसा,
बढ़िया सफ़र होता है सर, मज़े की। ये मतलब झूला टाइप है, ये देखेंगा, ये सबसे पहले तो हम ये पहले वाले स्टेशन पे आ चुके हैं। तो वाह, तो पहले स्टेशन पे आ चुके हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेशन पे जाने वाले हैं। ज़ाहिर बात है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन रास्ता बहुत लंबा है ना, तो अब दोबारा नेक्स्ट चलते हैं और जाकर दूसरे स्टेशन से ये दूसरा सेलेक्ट कर लिया स्टेशन। इस मरबा यही वाली गाड़ी ले चलते हैं, ये पिंक वाली भी मज़े की है। तो ये क्या इसके साथ फिर फेंक ही दोस्त यार इसी वाले साथ, चले कोई बात नहीं, खैर हो सकता है वो रास्ते में खड़े हों दूसरे दोस्त, इसलिए फिर कुछ ऐसा मामला है। क्योंकि थोड़ी देर पहले भी आपने देखा होगा जो पहला लेवल आपने किया है उसमें भी शिवा जो है, शिवा और ये शिवा का दोस्त था, तो शायद से ये आगे जो है इससे दोस्त आ जाएंगे। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, क्लिक करते हैं ये वाला रास्ता क्रॉस करते हैं, नेक्स्ट स्टेशन तक पहुँचे हैं। तो राम राम रहे, ये क्या हम बढ़िया बढ़िया सी सीट के साथ हम निकले जा रहे हैं यहाँ से, आराम से जाना है हमें ताकि हम गिर भी ना जाए। अगर ये गिरने वाला तो ऐसा रास्ता नहीं है, देखें विजिट करें गाइस, इधर उधर पहाड़ियाँ कितनी प्यार प्यारी थी, नज़ारा कितना प्यारा है इधर उधर का, ये ले गाइस ये। तो हम दूसरे स्टेशन पे आ चुके हैं, इसके बाद हम क्लिक करके नेक्स्ट थ्री स्टेशन पे जाने वाले हैं। यार मुझे लगता है क्या मामला है, ये सेकंड आ गई तो ये वाली भी हमने के लिए, ये वाली भी के लिए, अब ये वाली गाड़ी लेते हैं, चले गाइस ये बढ़िया है। तो यहाँ से देखते हैं निकलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले फुल स्पीड में जाने वाले हैं गाइस। तो ये वाला रास्ता बढ़िया है और यहाँ से आराम से चल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा फुल स्पीड भी अच्छी नहीं होती, आगे से रास्ता भी हमें चेंज करना पड़ेगा। आराम से जीवन जेल में जाएगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखें ये ये देखें जी, ये हमने रास्ता चेंज करना है यहाँ से, ये आप अभी देखेंगे हम रास्ता चेंज करने वाले हैं। अरे गाइस ये देखें जी, यहाँ से हमने ये रास्ता इनको कह दिया खोलने के लिए, ये खोल दिया इन्होंने। तो अब हम फिर से राम राम से जाने वाले हैं नेक्स्ट अपने टारगेट के लिए, देखते हैं जी हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है। नेक्स्ट टारगेट यही है हमने स्टेशन पर पहुँचना, बढ़िया सा बढ़िया सा ये वाला रास्ता था, ऐसा लग रहा था जैसे गिर रहा हो कि वह शिवा भी और इसके दोस्त भी गिरते हैं, खैर गिरे नहीं है आसानी से गिरने वाले नहीं हैं। तो ये देखें जी ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है कि स्टेशन आने वाला है, आप अपना ख्याल करें और आराम आराम से गाड़ी को चलाएं। ओ ओ ओ आराम से चलते आराम से ये देखें जी, ये आराम आराम से जा रहे हैं, ये आराम आराम से देखें जी गाड़ी, देखें कैसे बढ़िया सी राइडिंग हो रही है हमारी। तो ये देखें यहाँ पे हम रुक गए हैं, फिर से थोड़ा सा चलाया फिर से रुक गए। ये सारे स्टेशन पर जा रहे हैं ना, आराम से जाना चाहिए, गिर ना जाए। ये देखें यहाँ पे फिर हमने चलाया, फिर रोक दिया गाड़ी को, ये फिर थोड़ा सा चलाया, फिर से रोक दिया और ये स्टेशन आ चुके हैं गाइस। ये देखें ये स्टेशन है हमारा। तो गाइस अब सारे दोस्त स्टेशन पे पहुंचने के बाद ये देखें जी फॉर्म में आ चुके हैं, दूसरे दोस्त साइड पे बैठे हैं और ये शिवा इसको देखने के लिए आया हुआ है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो इसने अपने हाथ में एक तीर कमान पकड़ा हुआ है जिसके ज़रिए अपने कुछ ना कुछ फ्रूट्स को बचाने वाला है। तो इसके लिए ये देखें जी गाइस, अभी आप देखेंगे ये इसी को ना मार दें, चलें पोटैटो को मारते हैं। ये लें जी एक पोटैटो को हमने मार दिया और दूसरे पोटैटो को भी बचाते हैं। ओ यो बच गया गाइस, इसका निशाना थोड़ा सा ख़राब है। ओ गाइस फिर से ख़राब, एक मार दो फिर से बचाने की कोशिश करते हैं। ये लें जी, ये हमने पोटैटो को बचा दिया गाइस। इसके बाद
ये बच गया यार, ये भी नहीं बच सका। तो नेक्स्ट देखते हैं जी कौन सी सब्जी को बचाने वाले हम। अरे गाइस ये भी नहीं बच सकी, मतलब ये जो है ना हमें मारने की कोशिश करेगा और हमने जो है अपनी सब्जियों को बचाना है। तो ये कुछ ऐसा छोटा सा काम है हमारा, नारियल नहीं बचा सके। ये लें जी, ओहो ये भी नहीं बच सका। तो गाइस एक मतलब फिर से ट्राई करते हैं। ओ गोभी को बंद गोभी नहीं बचा सके। अरे गाइस क्या चीज़ बचा रहे हैं हम, हमसे तो चीज़ें बच ही नहीं रही। मुझे लगता है शिवा जो है ना अभी खाया पिया नहीं इसने, तो इसलिए थका हुआ है। खैर ये निशाना तान के सीधा, वाओ एक आलू को बचा लिया, ये एक बैंगन को बचा लिया और फिर से एक बैंगन को, ओ सॉरी ये बचाने में नाकाम रहे, ये आलू को भी और ये लें गाइस। ओहो शिट शिट शिट, चलो शुक्र है हमने कुछ ना कुछ सब्जियां बचा ली हैं। तो गाइस ये है इसकी स्टोरी, ये बंद गोभी को बचाते हैं। ओ शिट, तो ओहो नारियल को बचाने में नाकाम रहे, ये टमाटो को बचाने में कामयाब। नेक्स्ट ओ शिट 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 शिट, आलू को बचाने में भी नाकाम रहे, वो साइड से गुजर गया। तो खैर गाइस ये हमारा टारगेट था, हमने कुछ ना कुछ सब्जियों को बचा लिया है, ये इसकी स्टोरी है। तो गाइस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जो लोग चैनल पे नहीं हैं वो जाकर सब्सक्राइब कर दें, और जिसने मतलब कहने का ये है कि लाइक शेयर नहीं किया वो जाकर लाइक कर दे अगर वीडियो को अच्छा लगे तो। गाइस इसके साथ आपने देख लिया होगा कि हमने कितनी सब्जियों को बचा लिया, मतलब शिवा ने, और मज़ीद भी बचाएगा। तो खैर गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टाटा। तो अभी ये देख रहे होंगे कितनी सब्जियों को बचा लिया है हमने। तो गाइस इसके साथ एक दो सब्जियों को और बचाने के बाद हम निकल लेते हैं, क्योंकि अल्लाह हाफिज़ हमने आपको कह दिया है। तो ये हमारा लास्ट चैलेंज, ये देखें जी काफ़ी सारी सब्जियों को बचा लिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टाटा।